नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दे दिया, या यूं कह दिया कि चिराग पासवान हमारे साथ प्रचार प्रसार में मुकामा जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला है राजू तिवारी ने। राजू तिवारी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो प्रचार प्रसार करने नहीं जा रहे हैं और इस मसले पर अभी चिराग पासवान से कोई बात नहीं हुई है। संजय जायसवाल झूठ बोल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, प्रचार प्रसार में नहीं जा रहे हैं। कुछ देर पहले ही संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि चिराग पासवान चुनाव प्रचार में हमारे साथ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग की तरफ से राजू तिवारी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संजय जायसवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही इस मसले पर कोई बातचीत हुई है। भले ही दिल्ली में उनके शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई होगी और अगर ऐसी बात होती तो डंके के चोट पर हम लोग चुनाव प्रचार क्या भाजपा के साथ रहते। छुप छुपाने वाली ये कोई बात नहीं है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है राजू तिवारी और चिराग पासवान ने। जी हाँ, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें यह आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग जा सकते हैं और संजय जायसवाल ने जो बयान दिया उस बयान के बाद तो ये लग ही रहा था कि अब भाजपा के साथ जो चिराग पासवान की नज़दीकियां हैं वो सामने आ चुकी है। अब तो बड़ा झटका दे दिया गया है। चिराग पासवान की तरफ से राजू तिवारी ने मोर्चा संभाल लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोगों को जानकारी होती और मैं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस बात पर दावा कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कतई झूठ बोल रहे हैं संजय जायसवाल और राजू तिवारी का ये बयान अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। राजू तिवारी ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बयान दिया है उस बयानों को अगर गौर से देखेंगे तो ये चीज़ें भी स्पष्ट होगी कि बिना चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक बातचीत किए हुए इतना बड़ा फैसला इतना जल्द नहीं ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा ने जो फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हड़बड़ी में जो ऐलान किया है, अब उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भारी फजीहत हो चुकी है और अब राजू तिवारी का बयान भी सामने आ चुका है। राजू तिवारी ने हमसे बातचीत के दौरान इस बात पर मुहर लगाई कि इस फैसले में ये जो खबर है इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है, चिराग पासवान किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे हैं और अब तो तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को पहले ऑफर दिया था और चिराग ने उस ऑफर को ठुकराया था। तो अब कहीं ना कहीं उस ऑफर पर भी बड़ा फैसला निकल कर आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386